हाय, पहले तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे इस एक्सीडेंट की वजह से ना मेरी जिंदगी अजाब हो जाएगी, हॉस्पिटल का बिल कौन देगा। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि तेरा एक्सीडेंट हो गया। देख कैसे मैं एसी वाले कमरे में 16 पे एसी करके ये फ्रूट्स खा रहा हूँ। थैंक यू मैडम, तुम जियो हजारों साल। खुदा तेरे जैसा दोस्त ना किसी दुश्मन को भी ना दे। चले जो बोलना है बोल। अब तू टेंशन क्यों ले रहा है? फल खा, एंजॉय कर। मैडम है ना, सब खर्चा देख लेगी। फिजूल बात नहीं कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैडम इस हॉस्पिटल का खर्चा उठाया, मैं वापस करूंगा यार। क्या घूमड़ हो तुम? मैडम तुम्हारे सबके बारी हो जा रही है और तुम पैसे लौटाने के चक्कर में लगे हो। उसकी मोहब्बत कर रही है, थोड़ी सी मोहब्बत तू भी कर ले। मैडम के पैसों के लिए उनसे झूठ मूठ की मोहब्बत कर लूं? अच्छा तो झूठी मूठी ना कर, सच्ची मुच्ची कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। पागल तो नहीं हो गया? क्या बातें कर रहा है तू? खुदा ने तुम्हें इतना सुनहरी मौका दिया है, वो भी प्लेट पे रख के। ये ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इतनी खूबसूरत हैं, खुश शक्ल हैं, उम्र में भी ज्यादा नहीं दिखती हैं। तेरे पास कौन सा नौकरी है, ना रहने को जगह है। इन हालात में इस मैडम का तुम्हारी जिंदगी में आना और तुमसे मोहब्बत करना किसी मौजजे से कम नहीं है। एक बात सुन, तू चुप करके बैठ या बाहर जा, मेरे सर में दर्द हो रहा है अभी। अबे यार बेहतरीन मशवरा दे रहा हूँ तुझे। अबे मैडम कितना और साल जिंदगी, 5 साल 10 साल, उसके बाद तो सारी जायदाद तेरी होगी ना। वैसे भी कहते ना, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। और जहां तक बात रही मैडम को ऊपर भेजने की, वो तुम अपनी अकलमंदी और समझदारी से जल्दी भी कर सकते हो। इसको इधर रख, रख इधर, दफा हो जाए यहां से, निकल बाहर। हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। याद रहे कि तेरे मुश्किल वक्त में ना सिर्फ मैंने ही तेरा साथ दिया था और सबसे अच्छा मशवरा भी मैंने ही दिया था। ए इधर रख मेरे लिए, चल इधर रख। केले और सेब लेके जा रहा हूँ। इन हालात में इस मैडम का तुम्हारी जिंदगी में आना और तुमसे मोहब्बत करना किसी मौजजे से कम नहीं है।